इस न्यूज के प्रायोजक है उमामा फैशन बीजापुर बेस सोलापुर। लोगों का रोजा इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा गया और यहाँ के जिम्मेदारों के लिए स्वागत भी हमारे भाई अंदर यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम हमारा मेंबर साहब, कोटे साहब, सरगोटे साहब आ रहे हैं, तो बहुत खुशी भी कि सर्व धर्म के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इसीलिए मैं भी खास वक्त निकाल के यहाँ पे आया। हमारा यहाँ पर जो ये है बुलाए सब लोगों को बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोग्राम ये होना चाहिए कि मस्जिद में अंदर होना चाहिए। मुझे यहाँ इफ्तार हो गई, इफ्तार के हद तक यह तो सब ठीक था, लेकिन सभी लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारी नमाज कैसा होती है, नमाज में हम कैसा पढ़ते हैं, कैसा ये है, मस्जिद किसको बोलते हैं, कि इस्लाम धर्म क्या है, रमजान क्या है। आमतौर पर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम दिन भर भूखे रहते हैं और बाद में रात में हमारा रोजा छोड़ते हैं और रात भर खाते हैं, चुरकुम्बा बनाते हैं, ये रमजान नहीं है, एक कंसेप्ट अलग है। रमजान हमको शिस्त लाने वाला ये है, एक शिस्त पिए डिसिप्लिन तुम्हारा हमारे अंदर जो पैदा करता है वो रमजान है। हम 11 महीने अपने हिसाब से हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, कब चाहे जब खाया, जब खाया जब पानी पिया, प्यास लगी पानी पी, भूख लगी खाना खाया, अभी किसी ने दावत दी ज़्यादा खाए कम खाए, जैसा भी ये चलते रहता है, लेकिन हमको मालूम नहीं रहता कि वो जो पानी है वो पानी का इम्पोर्टेंस क्या है, वो खाना क्या है, वो खाने का इम्पोर्टेंस क्या है। रमजान के अंदर हम जब सुबह में वक्त रहता 5:51 को बोले तो 51 को हम पहले 50 को हम स्टॉप कर देते, 52 को हम खाना नहीं खाते, छोड़ देते, खत्म, चाहे उठो या नहीं उठो। अगर कोई बंदा 4:51 को उठ रहा है तो वो बगैर सहरी के रोजा रहता है बस। अब ये मेरे सामने घर के अंदर खाना है, पानी है, शरबत है, सब है, मेरे जेब में पैसे हैं, होटल है, फिर कौन सी शक्ति है जो मुझे रोक रही, कोई तो रोक रहे नहीं। मेरा दिल चाह रहा है, मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीऊँगा, मैं चाहो खाना खाऊंगा, लेकिन जिसने हमको पैदा किया वो अल्लाह, उसका हुक्म है कि ये रमजान के महीने के अंदर आपको रोजा रहना है। आपको सूरज निकलने से पहले से लेकर सूरज डूबने तक ये वक्त तक आपको भूखा और प्यासा रहना है। अब ये भूखा और प्यासा अगर हम रहेंगे तो अल्लाह को क्या मिलेगा, लेकिन अल्लाह को कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हमको दिखा रहा है कि मैंने तुमको जो पानी दिया है उसका महत्व कितना है। जब गर्मी की बड़ी तुम्हारी ये रहती और हम पानी 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 को हमको प्यास लगती है, हमारा हल्लक सूखता है, और जब हमको मालूम पड़ता है कि ये पानी कितना वैल्यूएबल है, एक बूंद जो है हमको लगता है कि कब तुम्हारा वो रोजा छूटेगा, हम पानी पीएंगे। हमको खाने की अहमियत भूख बहुत लगती है और हमको जब समझ में आता है कि ये अन्न जो है ये कितना महत्व का है, और सब ये अन्न और पानी का तो महत्व समझ में आ जाता है। आप पैसे वाले हैं, आपको मालूम नहीं है कि वो जो गरीब 1,00,000 रुपए मेरा इनकम हुआ, 2,500 रुपए मैं काट रहे का नहीं, कोई शक्ति देख रहे नहीं है, लेकिन वो जो कुरान है हमने जो पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि वो अल्लाह ताला हमको देख रहा है और हमारे मरने के बाद उसका हिसाब किताब होने वाला है। हमारे पास जो 7 तोला सोना है, 52 तोला चांदी है, तो हमारे को वो पैसा निकालना जरूरी है, गरीब पर नहीं है ये, जो है पैसे वाले पर है, सभी चीजें जो है पैसे वाले पर हैं, और ये पैसे वाले का फ्लो जो है पैसा निकालना और ये गरीबों में बांटना, गरीबों में कैसा बांटना चाहिए, कौन उसका हकदार है, अल्लाह ताला कुरान में वो फरमाया। कुरान एक ऐसा नहीं है, एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कुरान सबके लिए है, हर धर्म के वास्ते है। कुरान इतिहास है, भूगोल है, तुम्हारा जो है जिंदगी कैसा जीना, जब बच्चा पेट में आता है तो बच्चा कैसा तुम्हारा पेट में तुम्हारा 9 महीने रहता है, जब जिंदगी में जब दुनिया में बच्चा आता है तो उसको हक अधिकार क्या होते हैं, वो बच्चे के माँ के प्रति अधिकार क्या होते हैं, माँ के बच्चे के प्रति क्या अधिकार क्या होते हैं, समाज के प्रति अधिकार क्या होते हैं, बच्चा जैसा जैसा बड़ा होता है समाज के लिए क्या करना चाहिए, समाज में कैसा रहना चाहिए, माँ बाप के साथ कैसा रहना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा रहना चाहिए, समाज में कैसा रहना चाहिए, ये तमाम चीजें जिंदगी की जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन सरणी एक मार्गदर्शन वो तुम्हारा जो है कुरान है। आप अपन झूठ बोल सकते हैं आराम से, लेकिन झूठ बोल रहे कि नहीं कौन फैसला करेगा, झूठ नहीं बोलना ये कुरान सिखाता, सच्चा व्यवहार करना ये कुरान सिखाता। एक तुम्हारा जो है यतीम है, अनाथ है, वो अनाथ के तुम्हारा हक तुम्हारा संभालना ये कुरान सिखाता। एक अनाथ के सर पर से हाथ फिरना ये कुरान सिखाता। माँ बाप को देखना ये कुरान सिखाता। बच्चे माँ बाप बच्चों को कैसा तुम्हारा पालन पोषण करना ये सिखाता। बेटियों को कैसा देखना वो सिखाता। पढ़ा लिखाना कैसा वो सिखाता। ये कुरान है और यही चीजें रमजान के अंदर हम तरावे पढ़ते, एक महीने में पूरा कुरान मुकम्मल पढ़ते। हमारे यहाँ पे कुरान के हाफिज हैं, हमारे पास तकरीबन तुम्हारा जो है 114 कुरान के अंदर आयते हैं,
6,242 तुम्हारा जो है कुरान के अंदर आयते हैं, वो कुरान हमारा एक एक हाफिज पूरा याद करता और पूरा याद करके पूरा महीना संभलता। ये एक चमत्कार है। हम दो लाइन याद नहीं कर सकते, हम दो पेज याद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो हाफिज साहब हैं वो पूरा कुरान याद करते और एक महीने के अंदर समझाते। हमारे अंदर कुरान के ये रमजान के 3 पार्ट रहते, एक पहले 1 से 10 रोजे तक, 10 से तुम्हारा 20 रोजे तक, 20 से तुम्हारा 30 रोजे तक। ये 20 रोजे से 30 रोजे तक जो तुम्हारा जो ये है विषम संख्या है, 21, 23, 25, 27, 29, ये हमारी बड़ी रात है। इसको लैलतुल कद्र बोला जाता है। कुरान की जो शुरुआत हुई, अवतरण होने की शुरुआत ये रमजान के महीने से हो गई और रमजान के अंदर पूरा मुकम्मल कुरान उतरा। नमाज का इतना डिसिप्लिन है कि आप देखिए कि भाई आज का रोजा 6:00 तुम्हारा जो है 46 मिनट को छूट रहा है तो 45 मिनट कोई नहीं खाता, 46 मिनट को बराबर हम सब जन रोजा छोड़ते। 46 मिनट को भी वहाँ पे अजान होती, अजान में हमारा बांगी साहब आए ना आए, वक्त आया कि अजान होती, वक्त आया कि नमाज होती। कौन नमाज पढ़ा रहा है वो महत्व का नहीं है, लेकिन जैसा ही वक्त हुआ कि आदमी कोई भी तुम्हारा ठहरता है। नमाज के अंदर कोई गरीब है कोई सौकार है वो नहीं है, जो पहले जाता है वो ठहरता है, जो पहले जाता है वो नमाज पढ़ाता है। एकता, सामाजिक एकता तुम्हारा कैसा तुम्हारा ये करना, ये वो तरीका है। अल्लाह अकबर करने एक साथ लोग हाथ बनते, अल्लाह अकबर करते एक साथ रुकू में जाते, यानी एक साथ किस तरह से सामाजिक एकोपा तुम्हारा सकता है। ये तुम्हारा मूर्तिमंत ये मस्जिद का एक ये है। आप लोग यहाँ आए, मैं समझता हूँ आप जितने भी लोग आए कि एक सिर्फ कुरान को जो है एक मुसलमान की किताब बन के मत सोचो। यहाँ पे जो आता है जो है ये तमाम चीज़ें मानुष की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं। अगर हमारा हर मुसलमान कुरान को तुम्हारा आत्मसात करेगा और कुरान पर चलेगा तो मुझे लगता है कि एक दुनिया का काया पलट हो जाएगा। आप लोग आए, आप लोग भी इसको अच्छी तरह से समझ ले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो है आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका और धन्यवाद। रेडीमेड कापड क्षेत्रात अग्रेसर असलेलं एकमेव नाव म्हणजे उमामा कलेक्शन। बच्चों से लेके बड़ों तक एक ही चॉइस उमामा फैशन। आमच्या इथे जेंट्स टी शर्ट्स ट्राउजर्स शर्ट्स पैंट्स जैकेट्स आदि वरायटीज उपलब्ध। तसेच दिवाळी होळी रमजानी बकरी ईद आंबेडकर जयंतीचे ही शॉपिंग करा। आमच्या ग्राहकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादानंतर उमामा फॅशन मक्का मस्जिद शेजारी बिजापूर वे सोलापूर। संपर्क 9921037094।